Hi guys, welcome back to my channel. Yes, भाई साहब सब कुछ इसके नाम हो चुका है. Yes, और बहुत 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 टाइम बाद एक वीडियो लेके आए बीबी की वाइंस पे. लिखे जो खत तुझे, किसको लिखे? तुझे. और भाई भोन भाई की जब भी वीडियो देखते हैं ना, सॉरी मैच को लाता है और ऐसा लगता है यार क्यों हम रुक जाते हैं, क्यों हम रुक इसलिए जाते हैं भाई एकदम से खत्म ना हो जाए भाई की वीडियो, इतनी मजे आते हैं ना. तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कब आएगा यार? जल्दी आएगा. और हमारा गेमिंग चैनल भी डिस्क्रिप्शन में, और हमारी इंस्टा आईडीज भी है, फॉलो कर लेना. और भाई सुनो, चैनल पर भी सब्सक्राइब. और एक और चीज कहना चाहूंगा कि उनके फादर आए, होप जल्दी से रिकवर कर जाए, बिल्कुल सब बढ़िया हो जाए यार, फिट एंड फाइन पूरा देश हो जाए और जल्दी से बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाए. भाई हेल्थ का ध्यान रखो. 1 2 3 गो. क्या क्या हो रहा है इस देश में, रोज सच में कुछ ना कुछ चटपटी खबरें छपती रहती हैं. चटपटी. अपने पति को देख किसी और की बाहों में पत्नी ने दौड़ाया उसे नंगा सारे गांव में. सरपंच ने सुलह कराने की कोशिश में खाई पीठ पे झाड़ू. सरपंच पिट गया. होता है, मुझे कभी कभी अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता. और मुझे तुम्हारी बातों पर, मतलब कितना मीठा बोलती हो, मुझे यकीन ही नहीं होता. हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी तक वफादार हो. कुत्ता पाल के उससे और क्या उम्मीद रखती हो? तो फिर छुटकारा पालो मुझसे. तुम कोई पागल सांड तो हो नहीं जो तुमसे छुटकारा पा सको. सांड ही लगूंगी. अरे नहीं नहीं, तुम सांड कैसे हो सकती हो? सांड तो मर्द होता है. अरे मजाक कर रहे हो यार. अरे क्या सुबह सुबह घर को पार्लियामेंट बना रखा है. अपनी मम्मी को बता दे कि मेरे से अच्छा पति नहीं मिलेगा इसको. मुझसे शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगती थी. वो लाइन तुम्हारे पूजनीय पिताजी से उधार वसूलने के लिए लगती थी. पूरे मोहल्ले से उधार लेके बैठे थे. तुमसे तो कुछ नहीं लिया ना. चैन सब ले गया. बुढ़ऊ. नमस्ते आंटी. हेलो अंकल. ये सीडीओ पे आपके नाम की चिट्ठी रखी थी. ईमेल के जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है? बैंक वालों की होगी, वही भेजते चिट्ठियां. मेरे प्यारे बबलू, ना जाने ये 25 साल कैसे बीत गए. उम्मीद है मैं तुम्हें याद हूं. ओ भाई, ये कौन हो सकता है? 25 साल पहले. आगे पढ़. स्कूल के आखिरी दिन जब सब शर्ट पर कुछ लिख रहे थे तब तुमने मेरे सीने पर विल मिस यू लिखा था. ये नहीं, अब्बास तो नहीं है? विल मिस यू का यू मेरे सीने में इस कदर घुसा कि मैं उसी वक्त तुम्हारी हो गई. तुम्हारी हो गई. बारिश के बिना भीगना कैसा होता है ये मुझे तब पता चला. ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हूँ? बकवास कर रहा है यार, बारिश के बिना कैसे भीग सकता है कोई? अंकल उसकी टेक्निक होती है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. वो मेरा जन्मदिन तो तुम्हें याद होगा, मेरे मुंह पर केक लगाकर तुमने ऐसे चाटा था जैसे कुत्ता कटोरे से पेडिग्री चाटता है. हो गया. उस रात जब लाइट गई थी तब अंधेरे में तुमने ही मुझे टॉर्च पकड़ाई थी. फिर पता चला कि टॉर्च तो किचन में रखी थी. बड़े नटखट थे तुम. औरतों के बदन से केक नाश कर दिया. यार ये औरत झूठ बोल रही है, मैं किसी के बर्थडे पर नहीं गया. अंकल 25 साल पुरानी बात है, आप भूल गए होंगे. किसी के बदन से केक चाटने वाला पल कौन भूलेगा? मतलब तुमने चाटा? मेरी माता कुछ नहीं चाटा, वो झूठ बोल रही है यार. उस दिन मेरी छत पर जब हम धूप सेक रहे थे तब तुम ही ने मुझे सिखाया था कि पहले हाथ में पकड़ो फिर थूक लगाओ फिर सीधा करके अंदर घुसा दो. गुरुजी प्रणाम. जी प्रणाम. इस तरह सुई में धागा डालना तो मेरी माँ ने भी नहीं सिखाया था. सुई धागे की बात हो रही है, सुई धागे की बात हो रही है, सुनो तुमने. रिश्ता हमारा लल्लन टॉप, 19 में कर दी मेरी चेरी पॉप. वैलेंटाइंस डे पर तुम और तुम्हारे दोस्त एक ही नारा लगाया करते थे, लड़की नहीं मिली तो विरोध और मिल गई तो निरोध. मैं इस आदमी को जेनिटल समझती थी. जेनिटल? जेंटल. जेंटल को जेनिटल. सुनना चाह रहा है, तुम्हारे सारे राज लीक हो गए. अरे सीबीएसई या एसएससी का पेपर थोड़ी है जो लीक हो जाएगा. एक सेकंड. उम्मीद करती हूँ भुवन बहुत खुश होगा, अपने छोटे भाई से मिलकर उसकी खुशी दुगनी हो जाएगी. छोटा भाई? छोटा भाई अब से भी 4 लोगों में बढ़ेगा भाई. तुम्हें किसी और औरत से बच्चा भी है? अपने छोटे भाई बकुड़ा से मिलके भुवन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा. नाम उसका बकुल है लेकिन हमारे रिवाज में प्यार से नाम के आगे डा लगाते हैं, जैसे राजू का राजूड़ा और बकुल का बकुड़ा. हवा उसका नाम लव नहीं रखा. बेटा ये सरासर झूठ है, तू मेरा इकलौता बेटा है. जिस तरह मॉर्निंग बोनर नहीं छुप सकता उसी तरह ये सच्चाई भी ना छुप सकी. मॉर्निंग बोनर क्या होता है? जब सूरज और नुन्नू फात उठते हैं. क्या? दिन धड़क नुन्नू का. तू आगे पढ़. शरीर कितना भी गोरा क्यों ना हो एक चीज हमेशा काली रहती है. What? परछाई.
अपनी परछाई से बकुड़ा को बाहर मत जाने देना, वो आज रात की ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाएगा। इमली जैसी खट्टी, मिश्री जैसी मीठी, न्यूटेला लगा के चाटते थे जिसको, तुम्हारी अपनी स्वीटी। ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ बेटा। तुम्हारी नाजायज औलाद गुजरात से दिल्ली आने वाली है, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। यार वो गुजरात से आया चांद से। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता वो गुजरात से आ रहा है? उसमें लिखा है। नहीं लिखा, नहीं लिखा। तू लिखना भूल गया? कौन क्या लिखना भूल गया? अच्छा मजे ले रहे थे कि बेटे सारे चुप हो गए। बहुत तेज हो रहे, तेजस्वी, बहुत तेजस्वी। पहली बार मैंने इसकी मम्मी का ऐसा रोल देखा है ना। बहुत शातिर दिमाग। पापा अब मम्मी को पता चल गया है तो बता दो। बेटा रहने दे, कुछ बातों पे रोशनी ना डाले तो बेहतर। क्या बताना है? पापा को एक और बेटा है। तुम्हें कैसे बताऊं? कॉलेज में एक लड़की का जन्मदिन था तो दोस्तों ने थोड़ी ज्यादा शराब पिला दी, ऊपर से जोरदार बारिश भी हो रही थी। कुछ देर बाद सारे दोस्त निकल गए। मैं जब निकलने लगा तो देखा मेरे साइकिल की चेन उतर गई। 10 मिनट बाद पैंट की। उस तेज बारिश में मैं साइकिल की चेन ठीक करने बैठ गया। इतने में लड़की ने जिद शुरू कर दी कि रुक जाओ ना, रात को मत जाओ, सुबह निकल जाना। मुझ में भी हिम्मत नहीं हुई और मैंने सोचा कि साइकिल पे धक्का मारने से अच्छा बिस्तर पे धक्का मारूं, सो जाऊं, इसकी कमेंट्री, आराम से उठूं और फिर घर निकल जाऊं। फिर अचानक बादल गरजे और वो डर के मेरी बाहों में आ गई। ओ भाई साहब। और फिर जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। वो हो गया। और सुना लो कहानी, लव लेटर लिख रहे थे। नाश हो गया। अरे मम्मी पापा मजाक कर रहे हैं क्योंकि तुमने उनके साथ ये मजाक किया था। आपको कैसे पता चला कि ये लेटर मैंने लिखवाया है? मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? सब जानता हूँ। अप्रैल फूल, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे लिए डेडिकेटेड हो। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड। उम्र सारी खतरनाक, ये वीडियो सच में खतरनाक थी। जो लव लेटर का तख्ता पलट हुआ ना एकदम से। मैंने ना पहली बार मतलब जो इसका मम्मी वाला कैरेक्टर है ना उसका इतना शातिर दिमाग देखा, दिमाग। वरना हमेशा वो बिल्कुल एकदम सीधा वाला है ना, और रोने वाला स्टाइल मस्त लगता है। गुजरात ने लिखा, गुजरात लिखना भूल गया भाई साहब। लव लेटर लिख के उसके पापा इतने शरीफ है, उनका मजाक हो रहा था यार ऐसे कैसे आंटी में पलटा पलटवार भेज दिया। उसके पापा वाला कैरेक्टर और मम्मी वाला बहुत, और जो समीर की जो कमेंट्री होती पीछे से, फिर बिस्तर पे धक्का लगा, 10 मिनट बाद पैंट की जेब खुली। भाई साहब समीर नेक्स्ट लेवल बकचोदी करता है। और जो उसमें वो वाला मोमेंट नहीं था, वो क्या कहता, मैं तो तुम्हें जेनिटल समझती थी। जेनिटल, हां अभी कहता टेटिकेटेड, टेटिकेटेड, टेटिकेटेड। हां भाई तेरी वाली इंग्लिश है तो मेरी वाली फर्स्ट क्लास इंग्लिश एक नंबर का तैयार। लव लेटर में जो, और ये लव लेटर से ज्यादा डबल मीनिंग लेटर ज्यादा था। डबल लेटर से ज्यादा डबल मीनिंग आदमी सोचता है जो मुझे ऐसा ऐसा सुई में धागा डालना। और जिस स्टाइल से जो कहानी सुनाई ना लास्ट में, वो भाई साहब पूरी ऐसे बादल गरज रहे, बारिश हो रही थी, दारू पी ली थी, वो सरपंच की पीठ पर भी झाड़ू पड़ी, झाड़ू पड़ी, नंगा दौड़ाया, नंगा दौड़ाया कर, बगल से केक चाट दिया यार, और न्यूटेला केक नहीं, फेस से कह रहा तुमने जो, नहीं जो तुमने छाती पे आई लव यू ऐसे लिखा था, नहीं मिस यू लिखा था ना, तो वो मिस यू जो है छाती में रहेगा, छाती में रहे, दिल में रहेगा। गोविंद भाई की वीडियो बहुत ही जहरी, हमेशा मजा आता है। और यार हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से नया पार्ट आए, और मेरे हिसाब से तभी तो दोस्त है जब चीज़ ठीक होगी तभी आएगा। और भाई तब तक क्या पता घर से कोई एक वीडियो रिलीज करते हैं, लेकिन अभी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो भाई ध्यान रखें, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।